तो दोस्तों, जैसे कि 2024 आ चुका है और सबसे बड़ी चीज़ आपके साथ में क्या हो गई है इस 2024 के अंदर कि WhatsApp का जो बैकअप था वो अब पूरी तरीके से जा चुका है, जो आपको फ्री में मिल जाता था, मतलब कि आप रोज़ बैकअप करते रहते थे तो अब वो आप शायद ना कर पाओ अगर आपका बैकअप 15 GB से ऊपर का, क्योंकि गूगल अकाउंट फ्री में 15 GB ही क्लाउड स्टोरेज देता है और वो क्लाउड स्टोरेज अगर आप 15 GB से ऊपर कर चुके तो आप डेटा बैकअप नहीं कर पाओगे WhatsApp के ऊपर। उसके बाद में मतलब आपसे वो बोलेगा कि भैया अगर आपको बैकअप करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज खरीदनी पड़ेगी जो कि गूगल प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पर आपका खर्चा हो सकता है। अब यहाँ पर कई सारे लोग कहेंगे भैया 2024 आ गया, ब्लूपर्स तो अभी भी नहीं आए। तो भाई मैं बता दूँ, मेरा बैकअप उड़ चुका है कि मेरे मतलब अक्टूबर के करीब में इस हार्ड डिस्क से सब उड़ गया। मतलब अब जब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो लिखा हुआ आता है या तो इसे फॉर्मेट करो या फिर कैंसिल कर दो, और कैंसिल करने के बाद में कुछ दिखता नहीं है, मतलब रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रही। तो चक्कर ये है कि इसमें जो डेटा था 10 महीनों का, मतलब 10 महीनों के जितना भी ब्लूपर्स थे वो सब जा चुके हैं, और 2 महीनों में मुश्किल से 2 या 3 ब्लूपर्स होंगे, उसका मैं क्या ही बनाऊँ। मतलब 20 सेकंड की भी क्लिप उससे नहीं बनने वाली। इसकी वजह से इस साल मैंने पहले ही कह दिया था कई सारी कमेंट्स में कि भाई इस बार ब्लूपर्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरा डेटा जा चुका है, पूरे 10 महीने का डेटा था, और 10 महीनों में कम से कम नहीं तो 50 या 60 वीडियोज़ होंगी ब्लूपर्स की जो मैं ऐड कर सकता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब मैं ऐसा थोड़ी ना है कि मैं वो 10 महीने का ब्लूपर्स बैठ के मतलब खुद से रिकॉर्ड, क्योंकि वो तो इंस्टेंटली होता है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ कुछ मुँह से निकल गया या कुछ फंबल हो गया तो उसको मैं ब्लूपर्स में ऐड करता हूँ, वो मेरे पास है नहीं, तो मैं डाल कैसे दूँ, क्योंकि कई सारी कमेंट्स आ रही थी कि भाई ब्लूपर्स डालो, तो नहीं हो पाएगा इस साल। अगर हाँ थोड़ा बहुत मेरे पास डेटा हो जाएगा, जैसे कि आज से मैं स्टार्ट करूँगा या फिर जो भी 2 महीने का बचा हुआ है, 2 महीने में मुश्किल से 3 या 4 होंगी, उसके बाद में थोड़ा और ऐड हो जाएगा, तो आने वाले 1-2 महीने में शायद डाल दूं तब भी। दोस्तों आपको मालूम होगा कि US रिस्ट्रिक्ट कर रहा है चाइना की तरफ जाने वाली हाई एंड चिप को, और इसी के साथ साथ इन्होंने ASLM जो कि एक चिप मेकिंग मशीन है उसकी शिपमेंट भी रोक दी है। ये कहाँ से ले रहे थे, हालांकि डायरेक्ट चाइना को नहीं भेज रहा था US, लेकिन ये डच से ले रहे थे, डच यानी नीदरलैंड से ले रहे थे, किसी तरीके से उसके इक्विपमेंट मंगवा रहे थे और उससे इन्होंने एक चिप तैयार कर ली थी। दरअसल हुआवी ने अपनी फ्लैगशिप चिप तैयार करी थी, इसी की वजह से जो ASML मशीन है उसी की वजह से करी थी, जिसका नाम हाई सिलिकॉन किरिन 9000S था, और ये एडवांस चिप मेकिंग मशीन है जो कि एप्पल क्वालकॉम भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट इनके पास में पहुंच गए थे जिसकी वजह से हुआवे को SMIC जो कि चाइना की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी है उन्होंने बनाकर दे दी थी, लेकिन अब नीदरलैंड को भी US ने मना कर दिया है कि ऐसा अब ना होने पाए, तो पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है चाइना की तरफ ASML को, क्योंकि देखो वो एक मशीन है लेकिन उसके साथ में कुछ इक्विपमेंट भी होते हैं जो कि सिर्फ US ही देता है कंट्रीज को जिन पर वो भरोसा करता है, और अब नीदरलैंड को उन्होंने मना कर दिया है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऊपर से चाइना की तरफ जितनी भी एडवांस चिप जा रही थी उसको भी डिग्रेड कर दिया गया है NVIDIA, इंटेल और बाकी की कंपनीज द्वारा। और इसी के साथ साथ अगर चाइना के पास कोई ऑप्शन था तो वो जैक मा का अलीबाबा था, लेकिन अब उसके साथ भी उन्होंने ऐसा कर दिया कि उन्होंने भी अपने प्लान चेंज कर दिए, जिसकी वजह से अब उनके पास में अगर कोई ऑप्शन बचता है तो वो SMIC है या फिर हुआवे है, मतलब इन दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है वो अब एडवांस चिप के ऊपर। बाकी तो देखो चोरी चकारी तो वो करते रहते हैं, दूसरी कंट्रीज से हैकिंग वैकिंग भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अब US ने चाइना को करीबन 10 या 15 साल पीछे डाल दिया है टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि वही सुपीरियर रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से अब वो इनको थोड़ा पीछे ही धकेले रखना चाहते हैं, क्योंकि भैया आप देखो इनकी खुद की स्पेस स्टेशन भी है, तो मतलब रोकना चाहेंगे कि भैया चाइना कुछ हमसे आगे ना निकल जाए, तो मतलब इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी। और दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हो बेंगलुरु के मेट्रो स्टेशन की है, जो कि रात के 11 बजे 31 दिसंबर के और 2 बजे के बीच की है 1 जनवरी के, तो मतलब उस बीच में करीबन 6,26,000 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे स्टेशन के ऊपर, मतलब उन्होंने इतनी सर्विस यूज़ करी है सिर्फ इस टाइम पीरियड के बीच में ही, और यहाँ पर लोगों के लिए इंजॉयमेंट एक नाइटमेयर बन गया था, क्योंकि बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे इस क्राउड को लेकर, क्योंकि कोई भी क्राउड मैनेजमेंट वहाँ पर नहीं थी, किस तरीके से इस क्राउड को संभाला जा सकता था, मतलब कुछ भी
घटना भी घट सकती थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। मतलब लोग निकलते हैं ना कि भैया रात को इंजॉय करेंगे, मतलब पार्टी वार्टी डांस वांस जो भी करते हैं वो अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपना न्यू ईयर मनाने के लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। तो उस बीच में इतनी ज़्यादा भीड़ भड़का था यहाँ पे कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल था और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे। वो निकले तो इन्जॉय करने के लिए थे लेकिन वो घबराए हुए थे और उनके लिए एक नाइटमेयर था किसी तरीके से घर पहुँचना। सो दोस्तों ये तो था बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन का हाल, लेकिन जापान के अंदर लोग सेलिब्रेट तक नहीं कर पाए न्यू ईयर को, क्योंकि वहाँ पर अर्थक्वेक की न्यूज़ सामने आ गई और बहुत से लोग उस अर्थक्वेक के अंदर फंसे और कई लोगों की जान भी चली गई। बहुत बिल्डिंगें हिल रही थी, सुपरमार्केट हिल रही थी और मतलब बहुत दिक्कतें हुई हैं वहाँ पे। और इतना ही नहीं, मतलब जापान की एयरलाइन का एक प्लेन, मतलब उनको लग रहा होगा वो सेफ होंगे लेकिन उनके प्लेन में हवा में आग लग गई और वो तुरंत ही किसी तरीके से टोक्यो हनाडे एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किया और सेफली सभी पैसेंजर की जान बचा ली गई। अंदर की कई सारी वीडियो बाहर आई जिसमें ये पता लगता है कि कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद अब हमारी जान नहीं बच पाएगी क्योंकि स्मोक ही स्मोक था अंदर, लेकिन किसी तरीके से जैसे प्लेन लैंड हुआ सभी पैसेंजर को इवैक्यूएट कर लिया गया। दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन अफ्रीकन ऐसा कर रहे हैं। दरअसल वो इंडियन स्ट्रीट फूड का मजाक उड़ा रहे हैं ये कह के काफी ज्यादा अनहाइजीनिक होता है और इस तरीके से परोसा, मतलब एक तरीके से ट्रोल किया जा रहा है इंडिया को अफ्रीका के अंदर। और वहां की कंट्री के लोग टिकटॉक के ऊपर इंडियंस की वीडियो बना रहे हैं किस तरीके से स्ट्रीट फूड वहां पर सर्व किया जाता है, तो मतलब कुछ इस तरीके की वीडियो चल रही है जो कि मतलब लगेगा आपको थोड़ा सा, मतलब हंसी भी आएगी। मतलब होता है ऐसा, एक्चुअली में होता है कि कई सारे स्ट्रीट फूड में मतलब वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते होंगे। आप देखते होंगे एक चाय वाला है वो जो जीभ लगा के बहुत पास ले आता है, हालांकि अब नहीं करता है ऐसा। कहीं आपने गोलगप्पे वाले देखे होंगे जो कि दिखाए जाते हैं वो पूरा हाथ दे के घोल रहे होते हैं पानी, मतलब है ऐसा है तो उसको थोड़ा सा ओवर करके दिखाया जा रहा है वहाँ पे। लेकिन ठीक है, मजाक का कंटेंट है, लेकिन फिर भी बुरा तो लगता है जब अपनी कंट्री की बात आती है।